महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच भी एक खास इतिहास रहा है, जिसे जानने के लिए आप हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता की खास रिपोर्ट देखेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हम 75वीं पुण्यतिथि इस वर्ष मना रहे हैं और छिंदवाड़ा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मध्य प्रदेश 10 बार आए और छिंदवाड़ा इसमें से 2 बार आए। प्रथम बार महात्मा गांधी सन 1921 को छिंदवाड़ा पहुंचे थे और दोबारा महात्मा गांधी सन 1933 को छिंदवाड़ा आए थे। यहां तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का पहला उद्बोधन जो है वो छिंदवाड़ा के चिटनवीस गंज से दिया था, जिसका नाम अब गांधीगंज के नाम से मशहूर भी है। मैं छिंदवाड़ा के उस घर के अंदर मौजूद हूँ जो जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कदम पड़े थे और उस घर के अंदर मैं इस वक्त खड़ा भी हुआ हूँ। गोवर्धन त्रिवेदी जी का ये गोविंद राम त्रिवेदी जी का ये घर है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे और ये जो प्लेट है ये प्लेट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनको जो है बेची थी और इसके पैसों से उन्होंने आजादी की लड़ाई में उन पैसों का उपयोग किया था। यहाँ पर उनके जो पोते हैं और जो पोती हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या इनके पास इतिहास की जानकारी है। जब राष्ट्रपिता आपके घर आए थे तो क्या आप लोगों के पास जानकारी है इसकी? जानकारी तो यही है कि ये जो प्लेट है ये गांधी जी को किसी ने गिफ्ट की थी, जिसमें उनकी, आपने देखा कि उनकी प्रतिमा भी उकेरी हुई है, चित्र उकेरा हुआ है। अब इसकी नीलामी गांधी जी करके उस धन का उपयोग अपने असहयोग आंदोलन के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन इसकी नीलामी में सिर्फ 11 रुपए उनके पास बोली आई। तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि इसके लिए कोई अगर इसका सही मूल्य आपको दे सकता है तो वो गोविंद राम त्रिवेदी वकील साहब हैं, आप उनके घर जाइए उनसे जो भी हो। तब गांधी जी दूसरे दिन सवेरे हमारे घर आए, उन्होंने मेरे दादाजी से बात की और उनको कांग्रेस भी ज्वाइन कराई और मेरे दादाजी ने ये प्लेट 501 रुपए में खरीदी। उस समय इनके दादाजी जेल गए लेकिन आजादी नहीं देख पाए। सन 1945 को ही उनकी मृत्यु हो गई और आज हम जो है 75वीं पुण्यतिथि महात्मा गांधी की फिर से मना रहे हैं। छिंदवाड़ा से मैं आफाब हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए।